नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज 11। बिहार की शिक्षा व्यवस्था हमेशा ही चर्चा में बनी रहती है और ये चर्चा शिक्षा व्यवस्था की गिरती हुई स्थिति को लेकर है। और अगर बात आज की करें तो आज पटना के ललित भवन में एनआईओएसए कार्यालय में शिक्षकों ने जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि मार्कशीट नहीं देने पर शिक्षकों ने हंगामा किया है। बता दें आपको कि शिक्षकों ने पैसा मांगने का भी आरोप लगाया है। दरअसल शिक्षक नियोजन की बहाली जो है वो 26 अगस्त से शुरू होने वाली है। वहीं शिक्षकों ने कहा कि जब वे लोग आवेदन करने के लिए पहुंचे थे तो आवेदन स्वीकार नहीं किया गया। इस दौरान शिक्षकों ने क्या कुछ कहा हंगामा करते हुए, जरा वो सुनिए। जिसका रिजल्ट आज से 3 महीने पहले आ गई, फिर भी इन लोग मार्कशीट हम लोग को जबरन रोक रखे हैं। ये लोग बीएड कॉलेज वालों से पैसे ले लिए हैं, उन लोग का रिजल्ट है, ताकि हम लोग बिहार शिक्षक नियोजन से वंचित हो जाए, जो कि एक शिक्षक के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हो रहा है। इससे शिक्षक समाज में काफ़ी आक्रोश है। हम लोग बिहार से टोटल 2.5 लाख शिक्षक एनआईओ से डीएलएड किए हैं और इन सभी शिक्षकों का भविष्य अंधकार में डूबोया जा रहा है। इससे हम शिक्षक छात्र शिक्षक संगठन में काफ़ी गुस्सा है। अगर ये हम लोगों को 26 अगस्त से पहले, जो कि बिहार शिक्षक नियोजन स्टार्ट होने का डेट है, उससे पहले अगर नहीं देते हैं तो हम लोगों में काफ़ी ईंट से ईंट बजा देंगे इसके लिए देने के लिए, और नहीं देंगे तो हम लोग को जो करना होगा करेंगे। शिक्षक छात्र जिंदाबाद। नाम क्या हुआ हम लोग? मेरा नाम सुमन कुमार हुआ, मुजफ्फरपुर जिले से आए हुए हैं। इससे पहले भी 2 दिन आए हुए हैं, लेकिन 2 दिनों में हम लोग को टाल मटोल कर क्या कहते हैं उत्तराधिकारी कहते हैं कि सितंबर के लास्ट में मिलेगा, अक्टूबर में मिलेगा। तो अक्टूबर में मिलेगा तो ये जो अथी है बहाली है, ये सितंबर 25 के बाद खत्म हो जाएगी, तो फिर हम लोग कब लेकर के क्या करेंगे? तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा शिक्षकों ने। आपको बता दें कि आवेदन नहीं लेने पर शिक्षकों का सीधे तौर पर यह कहना है कि आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा और सरकार से वो निवेदन करते हैं कि इस तरीके से जो अधिकारी हैं जो आवेदन नहीं ले रहे हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आप देख रहे हैं न्यूज 11 और मैं हूं आपके साथ अविनाश पांडे। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों से हम आपको अपडेट कराते रहते हैं, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हमें फेसबुक पर भी लाइक कर सकते हैं। इसके अलावा बिहार झारखंड के साथ साथ देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारी वेबसाइट news11.in पर भी क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही, बन रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज 11। नमस्कार। न्यूज 11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।